उत्तर प्रदेश की पुलिस जिस पर विश्वास कर पाना इस तरह के दृश्य देखने के बाद अब और कठिन हो गया है। हमीरपुर में पुलिस का एक बार फिर से अमानवीय चेहरा सामने आ गया। वर्दी को दागदार करने वाले ये पुलिस वालों का दृश्य देखने के बाद तो अब उत्तर प्रदेश की पुलिस पर एक बार फिर से सवालिया निशान लग गया। एक 17 वर्षीय युवक को जिस प्रकार से उसका पैर कुचल रहे हैं, उसको पीट रहे हैं और सरेआम उससे गाली यानी असामाजिक शब्दों का प्रयोग करके उससे उसको इंगित कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये दिल दहला देने वाला है। और यूपी पुलिस की इस कृत्य और इस घटना को देखने के बाद अब सेवा के संस्थान ये पुलिस पर भी विश्वास घटता और बढ़ रहा है और अब लग रहा है कि धस जाना चाहिए इस तरह के लोकतंत्र के देश में रहने के बाद। अब लगता है कि लोक सेवा आयोग यानी पुलिस भी सेवा के लिए जो बनाई गई है वह अपने मूल्यों का उल्लंघन सरेआम उसकी धज्जियां उड़ाती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से हम यूपी के हमीरपुर में पुलिस का एक बार फिर से अमानवीय चेहरा देखने को मिला है, जब एक जेब काटने के आरोपी को हमीरपुर पुलिस द्वारा सरेआम 20 सड़क पर बड़ी बेदर्दी से उसकी पिटाई करने के बाद उसके हाथों को जूते से कुचलने का वीडियो सामने आया। आपको बताते चले कि मामला हमीरपुर शहर कोतवाली के बस स्टैंड का है, जहां पर सुमेरपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला एक 17 वर्षीय युवक को जेब काटने के आरोप में पकड़कर 3 पुलिस कर्मी उसके साथ जानवरों से बदतर सुलूक कर रहे हैं। जानवरों को भी मारते वक्त एक बार सोच लेना पड़ता है, लेकिन ये जानवरों से बदतर सुलूक आखिर कर रहे हैं इस 17 वर्षीय युवक के साथ। पहले आरोपी को जमकर पीटना शुरू कर दिया, फिर थप्पड़ों और लातों से घंटों पीटते रहे। जब इतने से भी सिपाहियों का दिल नहीं भरा तो पुलिस वालों ने उसे जमीन पर लिटाकर उसके हाथों को अपने जूतों से कुचलकर कुचलते रहे और वो रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन किसी ने भी उसको बचाने की हिम्मत नहीं बांधी और बाद में पुलिस उसे लेकर कोतवाली चली। लेकिन बात यह है कि आखिर इस वर्दी वाले गुंडों को ये छूट और ये रहम, इस तरह का ये छूट मिल रही है और संरक्षण मिल रहा है, आखिर ये किसका है और किस लिए इनको कानून का बिल्कुल रहम नहीं है और कानून का बिल्कुल खौफ नहीं। इनको डर नहीं है कि समाज क्या कहेगा, इनको डर नहीं है कि पुलिस की इज्जत और सम्मान उनके हाथ में है, उसको कैसे बचाना चाहिए, इसका बिल्कुल डर नहीं। समाज में इस तरह की पुलिस वाले ही पुलिस नामक संस्था पर लगातार प्रहार करते हुए उनकी सम्मान पर और उनकी सभ्यता पर उंगली उठाने का काम करते हैं, उंगली उठाने पर मजबूर भी करते हैं। ये रिपोर्ट हमीरपुर से, शिव शक्ति की तरफ से ये रिपोर्ट।